हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। हम लोग कॉम्पिटिशन का अब वीडियो देखने लगे हैं और उसमें दो टॉपिक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड, और ब्लड टॉपिक से भी बहुत सारे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और इस वीडियो में आपको ब्लड से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखते हैं ब्लड क्या है। तो ऊपर में आपको लिखा हुआ दिख रहा है रुधिर। रुधिर को ही ब्लड भी कहा जाता है, खून कहा जाता है, रक्त कहा जाता है। आप इन सभी नामों में से कोई भी नाम याद रख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप इन सभी नाम को दिमाग में रखिए। रक्त को ही रुधिर कहते हैं, ब्लड कहते हैं, खून कहते हैं। ये रक्त है क्या? तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए ब्लड अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इनका काम क्या होता है? तो हमारे शरीर में पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का परिवहन में उदाहरण के लिए ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, हम जो सांस लेते हैं, सांस के रूप में जो वायु में से कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन जो लेते हैं और हमारे पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचता है, वो ऑक्सीजन अगर न पहुँचे तो हमारी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। हमारी कोशिकाएं मृत न हो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं को लाकर कौन देता है? तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन लाकर कौन देता है? तो यही ब्लड देता है। और साथ ही साथ जितने भी पोषक पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो वो सभी ब्लड के साथ ही घुलकर कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो ये सभी पदार्थों का जो परिवहन कर रहा है, ऑक्सीजन का घोल और जो भी हम लोग पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, ये सभी को जो कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है, यानी क्या, पदार्थों का परिवहन कर रहा है। तो ब्लड हमारे शरीर में पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। इसीलिए हमारे लिए ब्लड क्या है, अत्यंत आवश्यक है। जानते हैं ये ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो ब्लड मुख्यतः दो घटक से मिलकर बने होते हैं। कितने घटक से? दो घटक से मिलकर बने होते हैं। तो वो दो घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए रुधिर के कितने घटक, मुख्य दो घटक। एक तो एक भाग होता है उसका तरल भाग, और एक भाग होता है ठोस भाग। क्या? तो रुधिर के दो भाग होते हैं, पहला तरल भाग और दूसरा ठोस भाग। तो तरल भाग, तरल मतलब क्या होता है? तरल मतलब होता है द्रव। अद्रव मतलब तो आप लोग सिक्स से ही पढ़ते आए होंगे, फिफ्थ से ही पढ़ते आए होंगे कि बहने वाली गुण होती है, ये सब कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि दूध पानी, ये सब क्या है? द्रव है, द्रव है। तो यहाँ पे रुधिर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, पहला तो तरल भाग, दूसरा ठोस भाग। अब तरल भाग मतलब होता है द्रव, तरल मतलब द्रव। तो तरल भाग को कहा क्या जाता है? तो रुधिर का जो तरल भाग होता है उसका नाम है प्लाज्मा। रुधिर के तरल भाग को क्या कहा जाता है, यानी रुधिर में जो बहने वाली गुण होती है, उसमें जो द्रव पाया जाता है, यानी रक्त में, ब्लड में जो द्रव जैसा स्वभाव होता है, द्रव पाया जाता है, वो द्रव का क्या नाम है? तो उस द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। क्योंकि वो किसमें पाया जा रहा है? ब्लड में पाया जा रहा है, इसीलिए उस ब्लड को क्या कहते हैं? रुधिर प्लाज्मा। प्लाज्मा ही रक्त का कौन सा भाग है? तरल भाग है, यानी द्रव वाला भाग है, और ठोस वाला भाग। यानी हम दो भाग बोले, एक तो तरल भाग यानी पानी जैसा द्रव भाग, और एक जो ठोस भाग। तो ठोस भाग है कौन सा? तो रुधिर कणिकाएं। क्या है? रुधिर कणिकाएं। दो भाग, रुधिर के दो भाग, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग को ही क्या कहा जाता है? रुधिर प्लाज्मा कहा जाता है। और ठोस भाग को क्या कहा जाता है? रुधिर कणिकाएं। ये ठोस भाग, ये ठोस जो बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? रुधिर कणिकाएं। अब ये रुधिर कणिकाएं भी तीन प्रकार के होते हैं। ब्लड तो दो भाग से, एक तो ठोस भाग, एक तरल भाग। तो ठोस भाग के तीन प्रकार होते हैं, यानी ठोस भाग में तीन कणिकाएं आपस में मिली होती है। क्या सब? एक आप लोग नाम सुने ही होंगे, पहला तो लाल रक्त कणिकाएं, डब्लू, रेड ब्लड सेल जो है, RBC। पहला का नाम क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा प्लेटलेट्स। अक्सर होता क्या है कि हम लोग एक नाम याद करके छोड़ देते हैं। नहीं, क्वेश्चन घुमाने के लिए कंपटीशन एग्जाम में आपको कोई भी नाम पूछ दिया जा सकता है, इसीलिए याद रखिएगा कि रुधिर का जो ठोस भाग होता है वो कौन सा भाग है? रुधिर कणिकाएं। और रुधिर कणिकाएं ब्लड में तीन तरह के होते हैं, एक तो लाल ब्लड यानी लाल रुधिर कणिकाएं,
श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ही एक और नाम क्या है, रुधिर बिंबाणु। प्लेटलेट्स को ही क्या कहा जाता है, रुधिर बिंबाणु, और उसका एक नाम है रक्त पट्टिकाणु। ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए, यानी प्लेटलेट्स को ही क्या कहते हैं, रुधिर बिंबाणु भी कहते हैं और रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं। तो ये तीन चीज क्या है, तो रक्त में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ होते हैं। तो ये ठोस पदार्थ को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, रुधिर कणिकाएं। मान लीजिए आपके शरीर में 100% कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो आपके शरीर में कितना ब्लड है, 100%। अब उस 100% में ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ब्लड तो सही बात है कि दो चीजें मिलकर बना होता है, एक ठोस भाग और एक तरल भाग। तो कुछ ना कुछ परसेंट ठोस होगा तो कुछ ना कुछ तरल होगा। तो हम कितना कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ब्लड कितना परसेंट है, 100। तो उस 100 में से तरल भाग यानी पानी जैसा भाग कितना होगा, 55%। और पानी वाले भाग को, तरल वाले भाग को कहते क्या है, रुधिर प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 55%। तो आप खुद ही समझदार है कि जब 100 मतलब रुधिर 100 है और 55% उसमें क्या है, उसमें तरल भाग है यानी प्लाज्मा है, तो अब बचा कितना। तो आप 100 में से 55 घटाइए तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, 45 बचेगा। तो 45% क्या बचेगा, उसका दूसरा भाग क्या था, ठोस भाग। तो ठोस भाग यानी क्या, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं में कौन सा, तो लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिला के कितने परसेंट होते हैं, 45% होते हैं। जबकि प्लाज्मा द्रव वाला भाग कितना परसेंट होता है, 55%। तो ये था हमारा ब्लड। अब ब्लड से संबंधित ये कैसे कैसे बना हुआ ये देख रहे थे, और इनका काम क्या था, तो हम तो बता दिए कि पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है, जैसे ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और जब कोशिकाओं के पास वो ऑक्सीजन पहुंचा देता है वहाँ क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। और जब कोशिकीय श्वसन में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो फिर वो रक्त क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पकड़ता है और फिर उसे लेकर के चलता है और शरीर से बाहर करता है। यानी वो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा आ रहा है, यानी पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये तो था हमारा रक्त। अब उनसे संबंधित जितने भी क्या है ऑब्जेक्टिव है वो भी देख लेते हैं। तो हम अभी सबसे पहले रुधिर के दो भाग में जो बोले कि तरल भाग और ठोस भाग, तरल भाग में क्या है, तो रुधिर प्लाज्मा। तो आज के इस वीडियो में रुधिर के बारे में तो हम पूरा बता दिए, और इसका जो पहला भाग है तरल भाग, पहला भाग जो है कौन सा, तरल भाग। तो तरल भाग में प्लाज्मा के बारे में पूरा पढ़ेंगे, और ठोस भाग, चूंकि ठोस भाग को रुधिर कणिकाएं कहते हैं और रुधिर कणिकाएं तीन तरह के होते हैं, तो इन तीनों टॉपिक को पढ़ने लगेंगे तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स की वीडियो अगली वीडियो में होगी। आज हम लोग रुधिर के बारे में पढ़े, और अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। तो रुधिर से संबंधित थोड़ी और बातें जान लेते हैं कि मानव शरीर में रुधिर का क्या सब क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या है, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, पहला क्वेश्चन है। इसे पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि रक्त कैसा ऊतक है, ब्लड जो है वो कैसा ऊतक होता है। तो ब्लड, हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है मानव शरीर में, वो एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव के तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा हमारे शरीर के भार
याद भी होगा। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब 7.4 जब हम बोले तो हम सभी जानते हैं कि पीएच स्केल हमें उस पदार्थों की क्या बताता है कि वो पदार्थ कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है। तो 7.4 कहने का मतलब हुआ कि ये पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा, क्षार होगा या लवण होगा। तो सीधी सी बात है कि 7.4 क्षार होगा। क्यों? क्योंकि सीमा पे 7 होता है और अगर 7 से ज्यादा मान हो, अगर 7 से ज्यादा मान हो पीएच मान में 7 से ज्यादा हो तो वो क्षार होता है, और अगर 7 से कम हो तो वो अम्ल होता है, और अगर 7 के बराबर मान आ जाए तो वो लवण होता है या उदासीन होता है। तो 7.4 की बात हो रही है तो 7 से ज्यादा है, और 7 से ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा, अम्ल होगा कि क्षार होगा? सीधी सी बात है, वो क्षार होगा। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये मान जरूर याद कर लीजिए, 7.4 होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। अगला प्रश्न, एक व्यस्त मनुष्य में औसतन एक किशोर मनुष्य में एक व्यस्त मनुष्य होता है उसके शरीर में लगभग कितना लीटर ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में और व्यस्त मनुष्य में एक किशोर मनुष्य में कितना लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया ही जाता है। ये भी हो गया। अब देखते हैं कि आप लोग सुने होंगे कि महिलाओं में रक्त कम होते हैं। सही बात है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड क्या होते हैं? कम होते हैं। और अगर पूछ दिया जाए कितना कम होता है तो पुरुषों की अपेक्षा में 1/2 लीटर, आधा लीटर क्या होता है? कम होता है। याद रखिएगा, अभी जो हम दो टॉपिक बोले कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, और एक किशोर व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाया ही जाता है, और अगर वो स्वस्थ है तो 5 से 6 लीटर पाया ही जाएगा। और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ब्लड 1/2 लीटर क्या होता है? कम होता है। चलिए, इतना टॉपिक तो देख लिया। अब देखते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। मानव के शरीर में जो रक्त की हम लोग ये पढ़ रहे हैं उसमें रक्त की शुद्धिकरण, शुद्धिकरण नाम से ही है, शुद्ध करने की प्रक्रिया, और आगे में है रक्त की शुद्धिकरण, यानी मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण, रक्त की सफाई, उसको जो शुद्ध किया जाएगा वो शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। किसको शुद्ध करने की? तो रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन, तो हम लोग ह्यूमन रक्त का पूरा पढ़ लिए, ह्यूमन रक्त के बारे में कॉमन चीज पढ़ लिए, लेकिन आपको भी जस्ट हम बताए कि रक्त दो घटक से मिलकर बने होते हैं। एक तो तरल भाग, पानी जैसा भाग जो था, जो प्लाज्मा कहलाया, और एक जो ठोस भाग था जिसे हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहती है। तो ये तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आज इसको बना था। तो रक्त के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे हम उन सबको देख चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? रुधिर प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सा भाग है? तरल भाग है, द्रव भाग है, पानी जैसा भाग है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रुधिर प्लाज्मा। अगर आप प्लाज्मा के आगे रुधिर ना भी बोलते हैं, रक्त ना भी बोलते हैं, खून ना भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसे प्लाज्मा, सिर्फ प्लाज्मा के भी नाम से भी जाना जाता है। तो तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। यहाँ पे लिखा हुआ है यह रक्त का तरल, तरल मतलब बताएं हम क्या होता है? द्रव। तो पूछा जाएगा कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो तरल भाग यानी द्रव भाग, द्रव भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो ये था पहला प्लाज्मा के बारे में। अब है रक्त का लगभग, हम ऊपर में बताए कि अगर 100% रक्त है तो उसमें से तरल भाग यानी प्लाज्मा 55% होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? तो कितना परसेंट? 55% क्या पाया जाता है उसमें? प्लाज्मा पाया जाता है 55%। तो 45% क्या पाया जाता है उसमें? ठोस भाग पाया जाता है। तो 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। उसके बाद उस प्लाज्मा में यानी ब्लड के अंदर कितना परसेंट? 55% प्लाज्मा है। और जब उस 55% में, उस 55% का आप खोलते हैं, उस प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? उस प्लाज्मा में पानी, पानी जब
में 90% भाग जल ही होता है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन में थोड़ा बहुत घुमा देता है, 90% न भी दे ऑप्शन में, अगर 91% दे दे तो आपको 91% ही लगाना है। तो रक्त में प्लाज्मा का परसेंट पूछेगा तो 55%, लेकिन प्लाज्मा में जल का परसेंट पूछेगा कि सिर्फ प्लाज्मा में पानी कितना पाया जाता है, तो सिर्फ प्लाज्मा में पानी कितना पाया जाता है, तो 90% पानी ही पाया जाता है। तो ये था प्लाज्मा। और कुछ पॉइंट्स है देखते हैं, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिसका नाम है फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। प्लाज्मा में तीन तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसका नाम है फाइब्रोनोजिन, याद रखिएगा फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा में पाया जाता है। और प्लाज्मा कौन सा भाग है रक्त का, तो तरल भाग है, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपेरिन। अब देखते हैं ये क्या है, प्रोटीन है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। ऑप्शन में दे सकता है कि इन सब में से कौन सा प्रोटीन है, इन तीनों का नाम दे दिया जाएगा, ऑप्शन में एक दे दिए, चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा इनमें सभी, तो आपको ये तीनों नाम याद रहेगा तभी तो। और या फिर ऐसा दिया जा सकता है कोई तीन गलत दिया हुआ रहेगा और एक सही दिया हुआ रहेगा और पूछे जाएगा कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो इन तीनों में से मैच कर लेना है कि कौन सा प्रोटीन उसमें दिया हुआ है, इसके लिए आपको ये तीनों नाम याद रखना होगा। तो प्लाज्मा में तीन तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। अब है अगला, फाइब्रोनोजिन रहित, रहित मतलब होता है अनुपस्थित होना, न होना। तो फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। सेरम को कहीं कहीं किसी किसी किताब में सीरम भी कहा जाता है, तो वहां पे घबराना नहीं है कि सेरम, हम तो सेरम पढ़े थे और यहाँ सीरम है, तो आपको कुछ भी मिल सकता है, सीरम भी मिल सकता है, सेरम भी मिल सकता है। तो फाइब्रोनोजिन रहित यानी अगर प्लाज्मा में तीन प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन, हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, अगर प्लाज्मा में से कौन अनुपस्थित हो जाए, फाइब्रोनोजिन, कौन, फाइब्रोनोजिन, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन निकल जाए तब बचेगा कौन, दो, क्योंकि तीन प्रोटीन है, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। और मान लीजिए कि फाइब्रोनोजिन नहीं है तो दो कौन सा बचा, एक तो प्रोथ्रोम्बिन बचा और दूसरा हिपेरिन बचा, तो बस वो दोनों बचा। और अनुपस्थित कौन हो गया, कौन चला गया, कौन नहीं है, तो नहीं कौन है, प्रथम फाइब्रोनोजिन, कौन नहीं है उसमें, फाइब्रोनोजिन। तो फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, सेरम, यानी ऐसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रोनोजिन अब नहीं है, उस प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, तो उसे सेरम कहा जाता है या सीरम कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन, हम जो भोजन करते हैं वो पचता है, तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन, हमारे शरीर में जो हमारे नियंत्रण एवं समन्वय के लिए अति आवश्यक पदार्थ निकलते हैं ग्रंथियों के द्वारा, वो क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। तो हमारे हार्मोन और पचे हुए भोजन का शरीर में संवहन, यानी कि आप एक जगह से वो दूसरे जगह लेकर के जाएगा और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे जाकर के इकट्ठा कर देगा, ये सारा काम जो करेगा किसका, हार्मोन्स और पचे हुए भोजन का। तो ये सारा काम कौन करता है, तो ये सारा काम तरल वाले भाग, क्योंकि वही तरल वाला भाग ना बहने की क्षमता रखता है, वो एक स्थान से दूसरे जगह जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप पानी गिरा दीजिए तो वो पानी एक ही जगह जमा रहेगा, नहीं, वो आगे की ओर बहता है, क्यों, क्योंकि उसमें बहने की प्रवृत्ति है। तो प्लाज्मा क्या है, ठोस वाला भाग है, नहीं, प्लाज्मा तरल वाला भाग है, अगर ठोस भाग रहता तो वो आगे बढ़ता ही नहीं। तो प्लाज्मा क्या है, तरल भाग है, और वो बहाव होने के कारण ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का वो क्या करता है, संवहन करता है, कौन, प्लाज्मा। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। और याद रखिएगा, अगर आप इस वीडियो के आगे भी देखना चाहते हैं जिसमें हम पूरा विस्तार से किसके किसके बारे में बताएंगे, इसमें हम बस ब्लड के बारे में समझा रहे हैं इस वीडियो में, और किसके बारे में, तरल भाग यानी द्रव वाले भाग, प्लाज्मा को समझा रहे हैं। हमारा एक भाग ठोस भाग, हम लोग का ब्लड का दूसरा भाग जो है ठोस भाग, ये पूरा का पूरा बचा हुआ है, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन तीनों भाग को पूरा डीपली से पढ़ेंगे।
और शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।